हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और वहाँ हमने स्टमक तक की बात कर ली थी। तो आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। थी पैराइटल या ऑक्सेंटिक सेल्स जो क्या कर रही थी, एचसीएल का सिक्रेशन कर रही थी। फिर मैंने आपको बताया था कि एचसीएल क्या काम कर रहा था। तो एचसीएल क्या कर रहा था, जो भी इनएक्टिव एंजाइम्स थे स्टमक के अंदर उनको एक्टिव करने का काम कर रहा था। इनएक्टिव एंजाइम्स कौन कौन से थे, एक तो था पेप्सिनोजन और एक था प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन एक्टिव होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन के अंदर, और प्रोरेनिन एक्टिव होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेनिन के अंदर। चीज़ें याद आ रही है क्या आपको? फिर मैंने आपको बताया था ये जो रेनिन होता है, ये कर्ड जो मिल्क होता है उसकी कर्डलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या हुआ, थोड़ा बहुत ही नहीं याद क्या? याद है बहुत तो फिर बोलो साथ साथ में थोड़ा। इसके अलावा एचसीएल और कौन से एंजाइम के साथ में क्या कर रहा था? इसके अलावा एचसीएल का एक फंक्शन अपन ने पढ़ा था कि ये जो एचसीएल है, ये जो टाइलिन होता है एंजाइम, उसको इनएक्टिव करने का काम कर रहा था। टाइलिन कहाँ पे था, सलाइवा के अंदर था। तो ये जो सलाइवा के अंदर टाइलिन था उसके फंक्शन को इनएक्टिव करने का काम भी एचसीएल कर रहा था। इसके अलावा जो जम्स वगैरह आ रहे थे उनको किल करने का काम भी एचसीएल कर रहा था। फिर थर्ड टाइप की अपन ने सेल पढ़ी थी, कौन सी, चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल्स। चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल या पेप्टिक सेल क्या काम कर रही थी, पेप्सिनोजन का और प्रोरेनिन का सिक्रीशन कर रही थी। ये दोनों ही एंजाइम की कौन सी फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है। इनको एक्टिव करने का काम कौन करेगा, एचसीएल करेगा। और लास्ट अपन ने फोर्थ टाइप की सेल देखी थी, अर्जेंटेफिल सेल्स, जो कि सेरोटोनिन का सिक्रेशन करती थी। फिर पाइलोरिक रीजन के अंदर अपन ने देखी थी कि पाइलोरी के अंदर भी पाइलोरिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि म्यूकस का सिक्रेशन कर रही होती है। पाइलोरी किस में ओपन होता है, आगे जाके ड्यूडेनम के अंदर ओपन होता है। और जहाँ पे ये स्टमक, जैसे मान लो मैं सिंपली सीधा ही बना रही हूँ, ये मान लो पाइलोरिक वाला रीजन है। अच्छा वैसे ही बना के देख लेते हैं। तो मान लो ये यहाँ पे ड्यूडोनम है और ये यहाँ पे लास्ट पाइलोरिक वाला रीजन आ रहा है। तो पाइलोरिक जहाँ पे ड्यूडोनम के अंदर ओपन हो रहा है वहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, उस स्फिंक्टर का नाम अपन देंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करेगा, फूड के जो बैकवर्ड फ्लो है उसको रोक देगा। ये बात अपन ने यहाँ पे की थी। फिर पाइलोरिक रीजन के अंदर जी सेल्स होती हैं जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या काम करेगा, ये अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिर अपन ने डाइजेशन देखा था स्टमक के अंदर कि मीडियम जो होता है वो एचसीएल होता है, मीडियम जो होता है वो एचसीएल की वजह से स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाता है, और यहाँ पे जो फूड है उसकी पीएच 1.5 से लेके 2.5 तक हो जाती है। ये जो जी सेल्स थी जो गैस्ट्रिन का सिक्रेशन कर रही थी, ये स्टिमुलेटर का काम करते हैं। स्टिमुलेटर मतलब जो कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रिलीज हो रही है, जैसे प्रो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, एचसीएल रिलीज हो रहा है ना, तो उनको स्टिमुलेट करने का काम ये जी सेल से सिक्रेट होने वाला गैस्ट्रिन हार्मोन करता है। फिर अपन ने डाइजेस्टिव जूस की बात की, जिसको अपन हिंदी में जठर रस भी बोलते हैं। इसके अंदर 99% तो वाटर ही होता है, रिमेनिंग 1% के अंदर एचसीएल भी होगा, प्रो एंजाइम्स भी होंगे, और याद रखना बहुत कम अमाउंट के अंदर लाइपेज भी होगा। अगर अपन से कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या स्टमक के अंदर, अमाशय के अंदर वसा या फैट का डाइजेशन होता है, तो अपना आंसर होगा यस होता है, लेकिन उसका अमाउंट बहुत कम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं होता फैट का, स्टमक के अंदर होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट के अंदर होता है। फैट का जो एक्चुअल डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके होता है, उसकी बात अपन आज करेंगे। फिर अपन ने क्या देखा कि पेप्सिनोजन जो था वो एक्टिव होके पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के ऊपर काम करता है, और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन्स के अंदर, पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर, और ये पॉलीपेप्टाइड्स आगे जाके फिर स्मॉल अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइपेज एंजाइम क्या कर रहा है, फैट के ऊपर काम कर रहा था और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर उनको कन्वर्ट कर रहा था। ये मैंने आपको बताया था कि लो अमाउंट के अंदर होता है।
अब यहाँ पे स्टमक के अंदर जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, उसको अपन क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे। ये काइम कहाँ पे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। फिर मैंने आपको एक चीज बताई कि स्टमक के अंदर कुछ लंबवत वलन पाए जाते हैं जिनको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रोगी। ये हमें तभी दिखाई देंगे जब हमारा जो स्टमक है वो खाली होगा, है ना? जिस टाइम पे खाली होगा उसमें फूड नहीं होगा, ये लॉन्गिट्यूडिनल रोगीज हमें तभी दिखाई देते हैं। अगर पेट भरा हुआ है मतलब उसके अंदर फूड है, उस कंडीशन के अंदर हमें ये लॉन्गिट्यूडिनल रोगीज दिखाई नहीं देते हैं। फिर यहाँ पे अपन ने बात की कि जो स्टमक होता है वो हमारी बॉडी वॉल से अटैच्ड रहता है मिजेंट्री या मिजोगैस्टर की हेल्प से। फिर लास्ट में हमने एंटर की थी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसके तीन पार्ट थे, DJI, ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम। इसको आप इस तरीके से याद रखना, ड्यूडोनम जो है वो यू शेप्ड ट्यूब होती है, और एल्कलाइन यहाँ पे जो मीडियम होता है वो एल्कलाइन होता है। और जो मोस्ट ऑफ दी जो डाइजेशन है फूड का, सबसे ज्यादा डाइजेशन यहीं पे होगा ड्यूडोनम के अंदर। डाइजेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? ड्यूडोनम, या हिंदी में इसको ग्रहणी बोलते हैं, यहाँ पे। फिर जेजुनम और फिर इलियम। इलियम जो है वो नीचे की ओर सिकम के साथ में कनेक्टेड रहता है। ये बात अपन आगे करेंगे। फिर अपन ने कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशंस देखे थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा है वो केकरिंग के वलय का निर्माण करती है। वैसे ही म्यूकोसा के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिनको अपन विलाई बोलते हैं। इन विलाई के ऊपर भी स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं 1 माइक्रोमीटर साइज के, उनको अपन बोलते हैं माइक्रोविलाई, है ना? और ये फॉर्मेशन करते हैं ब्रश बॉर्डर का। और ब्रश बॉर्डर क्या काम करता है? भोजन के अवशोषण की सतह को बढ़ाने का काम करता है। फिर इलियम वाले रीजन के अंदर कुछ लसिका गांठें पाई जाती हैं, लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं जिनको अपन बोलते हैं पेयर्स पैचेस। ये सिंपली एक एक नंबर के मतलब ये पॉइंट्स हैं, आपको एक एक ये ध्यान में रखने हैं। फिर इंटेस्टिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, आंत्रीय ग्रंथियां पाई जाती हैं इंटेस्टाइन के अंदर, इनको अपन बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहने। इसमें दो तरीके की सेल्स होती हैं, एक तो होती है पेनेथ सेल्स जो कि लाइसोजाइम का स्रवण करती हैं, एक होती है गोबलेट सेल्स जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। एक चीज आपको और याद रखनी है कि ये जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कोहने होते हैं, अपन आगे देखेंगे, ये चलो अपन आगे ही देखेंगे, इसको आगे डिस्कस करेंगे, अभी ये रिवाइज कर लेते हैं। फिर अपन ने देखा कि ड्यूडोनम के अंदर कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है जिनको अपन बोलते हैं ब्रूनर की ग्रंथि, और ये क्या करती है? म्यूकस का सिक्रेशन करने का काम करती है। अगर अपन डाइजेशन की बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो यहाँ पे मीडियम कैसा हो जाता है? एल्केलाइन हो जाता है। देखो स्टमक के अंदर मीडियम एकदम एसिडिक था, और इंटेस्टाइन के अंदर आते ही मीडियम एल्केलाइन हो गया या क्षारीय हो गया। तो किस वजह से हो गया? ये बाइकार्बोनेट आयन की वजह से हुआ है। और ये जो बाइकार्बोनेट आयन्स हैं, ये जो हमारा पित्रस होता है उसके अंदर होते हैं, अपन आगे आज डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से जो भोजन का जो ये पीएच होता है वो एसिडिक या अम्लीय से क्षारीय के अंदर चेंज हो जाता है। फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी हेल्प करती है स्मॉल इंटेस्टाइन की? तो लीवर करता है, पेनक्रियास करता है, यकृत, अग्नाशय, और उसके अलावा कुछ आंतरिक ग्रंथियां, अपन ने ऊपर देखी थी ना, ब्रूनर ग्रंथि हो गई, क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहने हो गए, वो सब। फिर लीवर की बात की थी कि लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, इसका ओरिजिन जो है वो एंड्रोडम से होता है, सबसे ज्यादा बिजी ऑर्गन होता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो लोब्यूल से मिलकर बना होता है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो लीवर है उसकी फंक्शनल यूनिट कौन सी है? लोब्यूल्स होती हैं। ये हेक्सागोनल भी होती है, पेंटागोनल भी होती है, या अपन इनको सिंपली पॉलीगोनल बोल सकते हैं, है ना? पंचकोणीय, षटकोणीय या बहुकोणीय हो गया, ये इस तरीके से अपन इनको बोल सकते हैं। फिर अपने को एक चीज और याद रखनी है कि लोब्यूल्स जो होती हैं इनके चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है, उस कवरिंग का नाम क्या होता है? ग्लीसन कैप्सूल होता है। ये जो लोब्यूल्स होती हैं ये इस तरीके से अरेंज होती हैं कि इनके बीच में इस तरीके का खाली स्पेस बनता है। इस खाली स्पेस को अपन बोलते हैं हिपेटिक साइनस या हिपेटिक लेक्यूना, है ना? और ये जो इस खाली स्पेस होता है इसके अंदर कुछ बक्षाणु कोशिकाएं होती हैं, मैक्रोफेज को बक्षाणु भी बोलते हैं, कुछ बक्षाणु कोशिकाएं होती है जिनको अपन बोलते हैं कुफर्स सेल। ये कुफर्स सेल क्या काम कर रही थी? ये बैक्टीरिया और जो डेड सेल्स ही होती हैं, जो मोस्टली आरबीसी होती है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। इनकी नेचर कैसी होती है? फेगोसाइटिक होती है। फिर अपने को देखने हैं लीवर के फंक्शंस। अपन आज अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो लीवर के फंक्शन स्टार्ट करने से पहले अपन लीवर की एक दो डक्ट की बात कर लेते हैं ना।
एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि लीवर के अंदर कितने लोग प्रेजेंट होते हैं, तो वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो लीवर होता है उसके अंदर मेनली ह्यूमन के अंदर फोर लोब्स प्रेजेंट होते हैं। मेनली तो आपको पता है राइट और लेफ्ट होते हैं, है ना, लेकिन उनके अंदर भी चार लोब पाए जाते हैं। उन चारों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं सिर्फ। कौन कौन सा होता है? राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट लोब और कॉर्डेट लोब। इन चारों के सिर्फ नाम ध्यान में रखना, क्योंकि एक बार पूछा गया था। अब अपन थोड़ी सी लीवर की बात करते हैं ना, थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं लीवर की किस तरीके की होती है। ये इस तरीके का हमारा लीवर है। अब लीवर क्या करता है? लीवर फॉर्मेशन करता है पित्त रस का, है ना, बाइल जूस का फॉर्मेशन करने का काम करता है लीवर। लेकिन लीवर सिर्फ निर्माण करके देता है, सिर्फ फॉर्मेशन करके देता है, उसको स्टोर करने का काम, स्टोर करके रखने का काम करता है हमारा गॉल ब्लेडर, या जिसको अपन पित्ताशय बोलते हैं वो। ठीक है, तो लीवर क्या कर रहा है अपन साथ साथ में छोटा छोटा देखते जाते हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहा है? बाइल जूस का कर रहा है। और उस बाइल जूस को किस में भेज रहा है? ये गॉल ब्लेडर में भेज रहा है। गॉल ब्लेडर मतलब पित्ताशय के अंदर ये भेज रहा होता है। अब जो लीवर है उससे दो तरीके की डक्ट निकलती है, ऐसे, क्योंकि दो लोब होते हैं मेनली। एक तो होता है राइट हिपेटिक डक्ट और एक मान लो लेफ्ट, ये उल्टा लिख दिया, एक साइड होगी राइट हिपेटिक डक्ट और एक साइड होगी लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ये दो डक्ट निकल रही है किससे? लीवर से। ये दोनों डक्ट आगे जाके फिर सपोज जैसे यहाँ पे मान लो हमारा ये मान लो हमारा यहाँ पे गॉल ब्लेडर है, ठीक है, तो ये दोनों डक्ट आगे जाके गॉल ब्लेडर के पास में जाएगी और फिर गॉल ब्लेडर से फिर से एक डक्ट निकलेगी इस तरीके से। तो ये क्या कर रही है? जो गॉल ब्लेडर से जो डक्ट निकल रही है उसके साथ में जाके ये अटैच हो गई, ठीक है। फिर यही कहीं पे नीचे की ओर प्रेजेंट होगा पैनक्रियाज। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है ना पैनक्रियाज की, तो सपोज ये यहाँ पे कहीं पे पैनक्रियाज प्रेजेंट है मेनली। तो जो अगर आपने एलिमेंट्री कैनाल का कभी डायग्राम देखा हो तो एक पत्ती की जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है अपने को, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे स्टार्ट होती है वहाँ पे, वो पेनक्रियाज ही होता है। और पेनक्रियाज के बारे में आपको पता होगा कि ये इंसुलिन का सिक्रीशन करता है, ग्लूकागोन का सिक्रीशन करता है ना, उस पेनक्रियाज की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये जो हिपेटिक डक्ट है ये आगे जाके इस पेनक्रियाज से निकलने वाली डक्ट के साथ में जुड़ जाती है। मान लो ये पेनक्रियाज से डक्ट निकल रही है और ये हिपेटिक डक्ट आ रही है यहाँ पे, ये हिपेटिक डक्ट आ रही है, ये दोनों आपस में मिलके यहाँ पे फ्यूज हो जाती है। और फ्यूज होने के बाद में अब ये कॉमन डक्ट बन गई, और ये जो डक्ट है यहाँ तक तो ये दोनों अलग अलग थी, अब ये मान लो ये कॉमन डक्ट हो गई और ये अब आगे जाके ओपन होगी किसके अंदर? ड्यूडोनम के अंदर। ये सपोज ये हमारा यहाँ पे ड्यूडोनम है, अपन सिर्फ रफली समझ रहे हैं ये ड्यूडोनम है। क्या हुआ? लीवर है, लीवर से दो डक्ट निकली, एक तो राइट हिपेटिक डक्ट और एक निकली लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट आपस के अंदर एक कॉमन डक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गई, इसको अपन बोलेंगे कॉमन हिपेटिक डक्ट, ठीक है। इधर से ये क्या था यहाँ पे हमारे पास में? गॉल ब्लेडर है, ये है गॉल ब्लेडर या पित्ताशय, इससे निकलने वाली डक्ट के साथ में ये फ्यूज हो गई। ये जो भी हमारा बाइल है वो यहाँ पे स्टोर हो रहा था पहले, अब यहाँ पे क्या था? ये इस
यहाँ से निकल रही है ये डक्ट किससे, गॉल ब्लेडर से निकल रही है। गॉल ब्लेडर से निकलने वाली ये डक्ट नीचे की ओर जा रही है, और जो पेनक्रियाज से निकलने वाली डक्ट है, क्योंकि पेनक्रियाज से निकल रही है इसलिए अपन इसको बोलेंगे पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगी, और फ्यूज होने के बाद में एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन करेंगी जिसको अपन बोलेंगे हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट आगे जाके ओपन होगी किसके अंदर, ड्यूडोनम के अंदर। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो बोलो एक बार। नहीं ठीक है, एक यहाँ पे ये छोटी सी डक्ट निकल रही है इसको और देख लो, गॉल ब्लेडर से निकल रही है ना ये वाली, इसको ये वाली, इसको अपन बोलेंगे सिस्टिक डक्ट, क्योंकि इन पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इनकी जो ओपनिंग होती है वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अपन ने इतनी बात तो कर ली, अब अपन देखते हैं इनके अंदर कुछ स्पेशल ओपनिंग्स होती है इनकी। तो अपन ने क्या बोला कि हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट किस में खुल रही है, ड्यूडोनम में खुल रही है, और जहां पे भी आपको पता है कि ओपनिंग्स होती है वहां पे कोई ना कोई उनके स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है गार्डिंग के लिए, है ना। तो यहाँ पे हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट के ऊपर यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, और उस स्फिंक्टर को अपन बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या ओडी की अवरोधनी, जो कि किसमें खुल रहा है, ड्यूडोनम के अंदर खुल रहा है। ठीक है, एक स्फिंक्टर अपने को ध्यान में रखना है यहाँ पे कि ये जो गॉल ब्लेडर है, गॉल ब्लेडर के ऊपर ये यहाँ पे बाइल डक्ट के अंदर यहाँ पे ये खुल रहा है, तो यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है यहाँ पे, उस स्फिंक्टर का नाम होता है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर एक नाम और कई बार पूछा जाता है, देखो ये यहाँ पे पेनक्रियाज है, ये क्या है यहाँ पे पेनक्रियाज है, मेनली तो पेनक्रियाज से एक डक्ट निकल रही है जो इस कॉमन डक्ट के अंदर जाके खुल गई, लेकिन इसके पास में एक सहायक नलिका भी होती है, एक असेसरी डक्ट भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इस पेनक्रियाज के पास में एक सहायक नलिका भी प्रेजेंट होती है, वो भी सीधा ड्यूडोनम के अंदर आके खुलती है। उस सहायक नलिका का नाम आपको ध्यान में रखता है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोराइनी, डक्ट ऑफ सेंटोराइनी। इतनी बातें हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर से ध्यान में रखनी है। दोबारा देख लो, लीवर है, लीवर के पास में चार लोब हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब। फिर लीवर से दो तरीके की डक्ट निकलती है, एक होती है राइट हिपेटिक डक्ट और एक होती है लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, दोनों आगे जाके यहाँ पे मिल गई, मिलके कन्वर्ट हो गई कॉमन हिपेटिक डक्ट के अंदर। ये जो कॉमन हिपेटिक डक्ट है इसके अंदर आके मिलती है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट कहाँ से आ रही है, गॉल ब्लेडर से आ रही है। गॉल ब्लेडर क्या कर रहा है, लीवर के अंदर जो बाइल जूस बन रहा है ये बाइल जूस लीवर गॉल ब्लेडर को दे देता है, और गॉल ब्लेडर स्टोर करके रखता है, जब भी एलिमेंट्री कैनाल को जरूरत होती है तो वो गॉल ब्लेडर से इस बाइल जूस को मंगवा लेते हैं। ये आगे जाके फिर ये बाइल डक्ट थी, ठीक है, हिपेटिक डक्ट बोल दो या बाइल डक्ट बोल दो इसको, ये आगे जाके किसके साथ में मिलेगी, पैनक्रियाज से निकलने वाली पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ में ही मिल जाएगी, और इस डक्ट को अब अपन नाम देंगे हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। इसके अलावा पैनक्रियाज के पास में एक सहायक नलिका भी होती है, उसका कई बार नाम पूछा जाता है, जिसको अपन बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोराइनी। फिर यहाँ पे हमें दो ओपनिंग याद रखनी है कि एक जो हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है उसकी ओपनिंग के ऊपर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, और एक जो स्फिंक्टर है वो आपको ध्यान में रखना है सिस्टिक डक्ट के ऊपर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बायडन। ठीक है, इतनी बातें अपन को यहाँ पे देखनी थी। जिस तरीके से लीवर बाइल जूस का फॉर्मेशन कर रहा है या पित्तरस का निर्माण कर रहा है, उसी तरीके से पैनक्रियास क्या कर रहा है, अग्नाशय रस का निर्माण कर रहा है या पैनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वॉइस आ रही है क्या क्लियर? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। अब अपन देखते हैं बाइल जूस के बारे में।
पीछे जो साउंड आ रहा है बैकग्राउंड में उसको अवॉइड करो और अपन करते रहते हैं अपना काम। तो बायजूस के अंदर क्या क्या होता है, इसके कॉम्पोजिशन के अंदर अपन देखते हैं कि इसके अंदर भी लगभग 90% तक हमें क्या मिलेगा, वाटर ही मिलेगा। अब जो रिमेनिंग जो है 10%, उसके अंदर हमें क्या मिल सकते हैं, उसके अंदर हमें बाइल साल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमें बाइल पिगमेंट्स मिल सकते हैं, उसके अंदर हमें कोलेस्ट्रॉल मिल सकता है, उसके अंदर हमें फोस्फोलिपिड मिल सकते हैं। और ये ध्यान रखना कि कौन सा फोस्फोलिपिड होता है, तो लेसिथिन होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइल जूस के अंदर कौन सा फोस्फोलिपिड पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, लेसिथिन पाया जाता है। अब ये जो बाइल पिगमेंट है, ये भी ध्यान में रखना कि दो तरीके के बाइल पिगमेंट होते हैं, एक तो होगा बिली रूबिन और एक होगा बिली वर्डिन, बिली रूबिन और बिली वर्डिन। ये कॉम्पोजिशन हो गया। अब यहाँ पे देखो अपन ने क्या देखा है कि वाटर भी है, बाइल सॉल्ट्स भी है, बाइल पिगमेंट भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है और फॉस्फोलिपिड है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव एंजाइम दिख रहा है हमें? बाइल जूस में क्या हमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब जो बाइल जूस है उसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, तो ये जो है आगे जाके डाइजेशन का कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास में डाइजेस्टिव एंजाइम ही नहीं है। तो फिर इसका क्या रोल है, तो इसका क्या रोल है कि इसके पास में बाइकार्बोनेट आयन है ना, अपन ने बात किया ना कि बाइल सॉल्ट्स होते हैं, उन बाइल सॉल्ट्स के पास में क्या है, बाइकार्बोनेट आयन है। और ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करेगा, एक तो जो मीडियम था उसको एसिडिक से एल्किलाइन में कन्वर्ट करेगा, जो अम्लीय माध्यम था उसको किस में बदल देगा, ये क्षारीय माध्यम के अंदर बदल देगा, ठीक है। और क्षारीय माध्यम किस काम के लिए जरूरी है, ये जो क्षारीय माध्यम है इस माध्यम के अंदर जो पैनक्रियाटिक जूस आएगा, उस पैनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स हैं वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे एल्केलाइन मीडियम चाहिए। फिर अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट है वो और क्या काम करते हैं, तो ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये क्या करते हैं, ये इमल्सिफिकेशन करते हैं, इमल्सिफिकेशन वसा का पायसीकरण करते हैं। उस इमल्सिफिकेशन के अंदर ये क्या करेंगे कि जो फैट को देखो डिग्रेड करना हार्ड होता है, तो ये बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, उनको इमल्सिफिकेशन करते हैं, और जो लार्ज फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको इमल्सिफिकेशन के थ्रू ये किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। और ये जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं इनको अपन अब बोलेंगे मिसेल्स, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है बाइल जूस का। दो ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, कौन कौन से, एक तो मीडियम को एल्केलाइन करेगा और दूसरा वसा का पायसीकरण करेगा या फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा, जिसमें फैट के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको कन्वर्ट कर देगा स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर, और इन स्मॉल ड्रॉपलेट्स को ही अपन क्या बोलेंगे, मिसेल्स बोलेंगे, ठीक है। इनके अंदर जैसे बीच में तो फैट होगा और उनके चारों तरफ प्रोटीन की लेयरिंग होगी, जिससे इनको डाइजेस्ट करने में आसानी रहेगी। ये इतनी बातें हमने कर ली लीवर के बारे में और उसके फंक्शन के। अब अपन देख लेते हैं लीवर के फंक्शन कौन कौन से थे। तो फंक्शंस ऑफ लीवर, अपन ने बात की थी कि लीवर जो है वो बहुत सारे काम करता है, सबसे बिजी ऑर्गन होता है, बिजी ऑर्गन है इसका मतलब बहुत सारे काम है उसके पास में। तो सबसे पहला काम तो अपन ने क्या पढ़ा है अभी अभी, कि किसका निर्माण करेगा, बाइल जूस का फॉर्मेशन करेगा, बाइल जूस का निर्माण करेगा पित्रस, ठीक है, किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो पित्रस, पित्रस का निर्माण करेगा। उसके अलावा ये क्या करेगा बॉडी के अंदर, थोड़ा ध्यान में है किसी को लीवर क्या क्या काम करता है, मेटाबॉलिज्म का,
हाँ क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करेगा। अब इस कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या कर सकता है ये ग्लाइकोजेनेसिस कर सकता है, ग्लाइकोजेनेसिस कर सकता है। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज है हमारे पास में और उस ग्लूकोज से हमने क्या बना लिया, ग्लाइकोजन बना लिया। एक्सेस अमाउंट के अंदर अगर हमारे पास में ग्लूकोज होगा बॉडी के अंदर, ज्यादा हम फूड खा रहे हैं उसमें ज्यादा ग्लूकोज हमें मिल रही है, तो बॉडी क्या करेगी, उसको स्टोर करके रखेगी। स्टोर किस फॉर्म के अंदर करेगी, ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर करेगी, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, जेनेसिस। इसके अलावा क्या करेगी, ये बना रही है तो उसको तोड़ भी सकती है, तो एक काम करेगी ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब टूटना, और क्या टूटेगा, ग्लाइकोजन टूटेगा। तो अगर ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या बनाएगा, सिंपली जिससे अगर ग्लूकोज से बनाए तो टूट के क्या बनाएगा, ग्लूकोज ही बनाएगा। अब ये तो मान लो ग्लूकोज की बात होगी, कई बार ऐसे भी हो सकता है कि बॉडी को फूड मिल ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन में बॉडी क्या करेगी, अगर हमें फूड नहीं मिल रहा उस कंडीशन के अंदर बॉडी क्या करेगी, उसके पास में, हाँ बोलो बोलो, उसको तोड़ के हमें, हाँ ग्लाइको नियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया कि जो फैट है बॉडी के अंदर, या अपन ऐसे बोलते हैं जो फैटी एसिड्स हैं, उन फैटी एसिड को तोड़ के हमें ग्लाइकोजन बना के देगी। ठीक है, इतनी बात हो गई। एक और टर्म अगर आपने सुन रखी हो, इन तीन टर्म के अलावा एक और टर्म अपन काम में लेते हैं, अगर बॉडी के पास में मान लो जैसे अपन ने फैट को तोड़ के ग्लाइकोजन बनाया, इसके अलावा भी कोई और प्रोसेस है क्या जिससे अपन ग्लूकोज बना सकते हैं। यहाँ पे अपन ने फैट को तोड़ के जैसे ग्लूकोज बनाया, सॉरी ये ग्लाइकोजन लिख दिया मैंने, ग्लूकोज होगा नहीं, ग्लूकोज। अच्छा हाँ, ग्लाइकोजन बना रहे ना, सॉरी सॉरी कंफ्यूज हो गई मैं। जो भी आप देख लो, ग्लाइकोजन बन रहा है। इन तीन प्रोसेस के अलावा भी क्या हमारे पास में ऐसी कोई प्रोसेस है जिससे हम ग्लाइकोजन बनाए और फिर उससे हमें ग्लूकोज का, मतलब ग्लूकोज मिल जाए हमें, बताओ क्या नाम है फिर इसका, ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसको अपन बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर अब ना तो ग्लूकोज बचा है ना, इस कंडीशन को ध्यान में रखना, इस कंडीशन में क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर ना तो हमारे पास में ग्लूकोज है और ना हमारे पास में ग्लाइकोजन है। अगर ग्लाइकोजन होता तो हम तोड़ के ग्लूकोज बना ही लेते, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी क्या करेगी, बॉडी के पास में अमाइनो एसिड्स तो होंगे है ना, फैटी एसिड्स भी होंगे, और इस कंडीशन में अगर अपन इन दोनों से आगे चल के ग्लूकोज ऑप्टेन कर रहे हैं तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो हमने चार प्रोसेस पढ़ ली, कौन कौन सी, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन किससे बनेगा, एक्सेस के अंदर जो ग्लूकोज है उसको अपन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देंगे। फिर अपन ने उसी के रिवर्स प्रोसेस पढ़ी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन टूट के अगर ग्लूकोज बना रहे हैं तो उसको अपन ने बोल दिया ग्लाइकोजिनोलाइसिस। फिर अपन ने देखा ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस के अंदर क्या होगा कि अगर फैटी एसिड्स जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड हैं उनको अपन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको अपन बोलेंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस। और एक लास्ट अपन ने पढ़ा ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा और किसी नए तरीके से होगा। नॉर्मल तरीका तो क्या था ग्लूकोज को फॉर्मेशन करने का, ग्लाइकोजन को तोड़ो और ग्लूकोज बना लो, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अपन या तो फैटी एसिड से या फिर अमाइनो एसिड से अगर ग्लूकोज बना रहे हैं किसी भी तरीके से तो उसको अपन बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस।
नाम से देखो, यहाँ पे ग्लूको आ रहा है तो ग्लूकोज बनेगा, यहाँ पे ग्लाइको आ रहा है तो लास्ट में ग्लाइकोजन बनेगा, ठीक है? इसमें कोई डाउट थोड़ी है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस वाला देख लो फिर से, देख लो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजन सॉरी, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब हमें बनाना तो ग्लूकोज ही है, नाम में क्या आ रहा है, ग्लूको आ रहा है ना, ग्लूको, और लास्ट में आ रहा है जेनेसिस, मतलब कि किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अब बॉडी के पास में ना तो ग्लूकोज है, हम फूड नहीं खा रहे मान लो, और ना बॉडी के पास में पहले से स्टोर्ड जो फूड है जो ग्लाइकोजन के रूप में अपन रखते हैं वो भी नहीं है बॉडी के पास में, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी के पास में अमाइनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है ना, इन अमाइनो एसिड्स को और फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी, जिसको अपन बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसको याद सिंपली रखो ना कि नॉर्मली तो अपन ग्लूकोज किससे बनाते हैं, नॉर्मली तो अपन ग्लाइको जीनो लाइसिस से अपन ग्लूकोज बना लेते हैं, नॉर्मल तो ये है। लेकिन अब हमें ग्लूकोज बनानी है और किसी नए तरीके से बनानी है, इसको मैं तो इस तरीके से याद रखती हूँ कि ग्लूकोज बनानी है और किसी नए तरीके से बनानी है, तो नया तरीका क्या होगा, पुराना तरीका तो क्या था कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना लो, ये तो हो गया पुराना तरीका, लेकिन अब ये तो होगा नहीं क्योंकि हमारी बॉडी के पास में डेफिशिएंसी चल रही है इस चीज की, तो उस कंडीशन में क्या अपन क्या करेंगे, जो फैटी एसिड्स हैं और जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ग्लूकोज के अंदर, तो नए तरीके से ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इन चारों टर्म्स के अंदर हमें बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए सब अपने अकॉर्डिंगली कुछ बना के याद करो, जैसे मैंने तो इस तरीके से करा है। आया समझ? या अभी भी कोई डाउट है? देखो फिर से देखते हैं ना एक बार, अपन चारों टर्म्स एक बार फिर से देख लेते हैं, कौन कौन सी है, एक तो है ग्लाइको जेनेसिस, ठीक है, एक है ग्लाइको जीनो लाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस में अपन ने क्या किया है, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब हमारे पास में जो ग्लूकोज है, ग्लाइकोजेनेसिस में हमारे पास में जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को हमने किस में स्टोर कर दिया, ग्लाइको जन में कर दिया। कितनी बात क्लियर है सबके, ग्लूकोज को क्या किया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, इसको अपन ने क्या बोल दिया, ग्लाइकोजेनेसिस। अब मान लो हमारी बॉडी के पास में ग्लूकोज की कमी है, उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जो पहले से फूड स्टोर कर रखा है, जो ग्लाइकोजन हमने स्टोर कर रखी है उसको अपन दोबारा तोड़ के क्या करेंगे, ग्लूकोज बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है तो ग्लाइकोजेनेसिस, ये तो ये पहली वाली रिएक्शन हो गई ये तो, और ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना रहे हैं तो ये दूसरी रिएक्शन हो गई, ये दोनों समझ में आ गई। वो दोनों रिएक्शन आ गई क्या समझ, यस है ना, किसी के नहीं है ना उनमें तो दिक्कत, है ना? अब अपन जो दूसरी है जिनमें डाउट क्रिएट होता है वो देखते हैं। एक तो है कौन सी, ग्लूको नियो जेनेसिस, एक तो ये वाली है ग्लूको नियो जेनेसिस, और एक है ग्लाइको नियो जेनेसिस। एक तो है ग्लूकोनियोजेनेसिस और दूसरी है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब इनमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, ग्लूको नियोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब बनना और ग्लूकोज बन रही है, और नियो का मतलब नया, इस तरीके से याद रखो, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब बनेगा तो लास्ट में हमारे पास में प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, ग्लूकोज ही बनेगा, लेकिन नए तरीके से बनेगा। पुराना तरीका क्या था, पुराना तरीका ये वाला था, ग्लाइकोजन को तोड़ा और ग्लूकोज बना दिया, लेकिन अब ग्लाइकोजन नहीं है हमारे पास में, है ना, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि बॉडी के पास में जो फैटी एसिड्स हैं, एमाइनो एसिड्स हैं, वो क्या करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे,
तो नया तरीका हो गया ना ये, इसलिए इसको अपने बोल दिया ग्लूकोनियोजेनेसिस। सेकंड देखो ग्लाइको, पहले वर्ड क्या आ रहा है, ग्लाइको, इसका मतलब एंड प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, ग्लाइकोजन ही बनेगा, नए तरीके से बनेगा। पुराना तरीका क्या था, ग्लूकोज है, एक्सेस अमाउंट के अंदर ग्लूकोज है, उसको अपन ने स्टोर कर दिया ग्लाइकोजन के रूप में। लेकिन अब हमारे पास में बॉडी के अंदर फैटी एसिड्स भी बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारे फैटी एसिड्स हो रहे हैं बॉडी के अंदर, हम बहुत ज्यादा फैट खा रहे हैं खाने के अंदर, तो वो जो फैटी एसिड्स हैं उनको भी बॉडी स्टोर करके रखना चाहेगी, उनको भी ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करेगी। तो फैटी एसिड्स को अगर अपन स्टोर करके रख रहे हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म के अंदर, तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस। मतलब ग्लाइकोजन तो बनेगा लेकिन किसी नए तरीके से बनेगा, और वो नया तरीका क्या होगा, फैटी एसिड्स होगा। आया समझ में? अब नहीं ना किसी के मैम कोई दिक्कत चारों इन टर्म्स में? फिर नेक्स्ट अपन फंक्शन देखते हैं। फर्स्ट अपन ने देखा सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस, कि बाइल जूस का निर्माण करता है लीवर। सेकंड अपन ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर काम करता है। मेटाबॉलिज्म के अंदर चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जिनकी अभी अपन ने बात की। इसके अलावा ये क्या काम करता है, पेरिन का निर्माण करता है, वो भी देख लेंगे। यूरिया का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बॉडी के अंदर जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो अमोनिया होती है, आपको पता है कि अमोनिया हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, बहुत ज्यादा हार्मफुल गैस होती है ये। तो उस अमोनिया को हमारा जो लीवर है वो कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, यूरिया के अंदर। ऑर्निथिन साइकिल का आपने नाम सुना होगा, इस ऑर्निथिन साइकिल के अंदर क्या होगा, जो अमोनिया होती है, अमोनिया क्या है हमारे लिए, टॉक्सिक है, ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। इस अमोनिया को लीवर कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, यूरिया के अंदर। यूरिया भी टॉक्सिक है लेकिन इसकी तुलना में कम है, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा टॉक्सिक है हमारे लिए, लेकिन ये टॉक्सिक तो है हमारे लिए, विषैली तो है लेकिन अमोनिया के कंपैरिजन में कम है। तो ये हो गया यूरिया का फॉर्मेशन। जिस प्रोसेस से करता है उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का शुद्धिकरण करता है ये। तो ब्लड का शुद्धिकरण कैसे करेगा, अपन ने कल बात की थी कि इसके पास में कुफर सेल्स होती हैं, है ना, और वो कुफर सेल्स क्या करती हैं, जो डेड आरबीसी होती हैं, डेड आरबीसी, उनको किल करने का काम कौन करती है, कुफर सेल करती हैं, कुफर सेल्स फेगोसाइटिक नेचर की होती है ना ये। तो डेड आरबीसी हो गई, या मान लो डेड डब्ल्यूबीसी हो गई, उनको वहां से हटाने का काम, ब्लड के अंदर से हटाने का काम, ब्लड को प्योर करने का काम कौन कर देगी, कुफर सेल्स कर देगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, आवशीकरण, मतलब बॉडी के अंदर अगर कोई विषैले पदार्थ हैं तो उनको हटाने का काम भी लीवर ही करेगा। लीवर के अंदर क्या होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, और इसकी ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करती है, जितने भी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है, कौन करती है, लीवर की स्मूदीआर। नेक्स्ट देखते हैं स्टोरेज ऑफ फैट, फैट के अलावा स्टोरेज ऑफ विटामिन्स, इनका स्टोर करके, इसके अलावा सॉल्ट्स, मिनरल्स, इन सबको स्टोर करके रखने का काम कौन करता है, लीवर करता है। फैट के अंदर अभी अपन ने बात की थी कि जो एक्सेस अमाउंट के अंदर फैट है उसको भी ग्लाइकोजन के अंदर अपन कन्वर्ट कर देते हैं। अगर ये फैट कम अमाउंट के अंदर है तब तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये जो फैट है इसका स्टोरेज बहुत ज्यादा हो गया, तो अब लीवर भी है तो ऑर्गन, और अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा फैट डिपोजिट हो रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, फैटी लीवर सिंड्रोम, फैटी
फैटी लीवर सिंड्रोम, अगर लीवर के पास में बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो गया है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फैटी लीवर सिंड्रोम। और अगर मान लो ये फैटी लीवर सिंड्रोम की कंडीशन ज़्यादा टाइम तक रह गई, और इस फैटी लीवर सिंड्रोम के होने के साथ साथ में अगर इसके पास में कॉलेजन फाइबर्स और आ गए, अगर इसके साथ में कॉलेजन फाइबर्स और आ गए तो ये कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाएगी, और उस कंडीशन को अपन बोलेंगे लीवर सिरोसिस। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, अगर फैट का डिपोजिशन ज़्यादा है तो फैटी लीवर सिंड्रोम, और अगर वहाँ पे कोलाजन फाइबर भी आ गए तो उसको अपन बोल देंगे लीवर सिरोसिस। फिर अपन देखते हैं विटामिन कौन कौन से यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। तो नॉर्मली जो विटामिन ए होता है, विटामिन के का फॉर्मेशन भी ये कर रहा होता है ना। इसके अलावा विटामिन B12, इनके सिंथेसिस के अंदर और स्टोरेज के अंदर भी लीवर काम करता है। विटामिन के आपको पता होगा कि जो रुधिर का थक्का जमता है ना, ब्लड की क्लोटिंग के अंदर काम आता है विटामिन के। तो अगर विटामिन के की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो गई किसी वजह से तो ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी। वैसे ही विटामिन ए क्या करता है, हमारी जो आई साइट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर विटामिन ए की बॉडी के अंदर कमी हो गई तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, है ना। ये सारे जो विटामिन हैं मैं आपको अलग से करवा दूंगी। फिर सॉल्ट्स देखते हैं, मिनरल्स वगैरह देखते हैं, तो इनके अंदर फेरस हो गया, कॉपर हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, इस तरीके के ये जो आयंस हैं या मिनरल्स, सॉरी सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको भी लीवर जो है वो स्टोर करके रखने का काम करता है। इसके अलावा और क्या करेगा, हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस का मतलब क्या होता है, हीमो, हीमो वर्ड अपन किसके लिए काम में लेते हैं, ब्लड के लिए, है ना। तो हीमोपोइसिस का मतलब ये क्या करेगा, ब्लड का फॉर्मेशन करेगा। ब्लड का फॉर्मेशन करेगा कब करेगा, एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन। ठीक है, उसके बाद में जैसे जैसे एनिमल जो है या ह्यूमन जो है वो मैच्योर होता जाएगा, तो उसके बाद में अभी अपन ने पढ़ाई था कि ये जो आरबीसीज वगैरह होती है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम है मतलब आयरन है उसका तो अलग से स्टोरेज करता है ना। और इसके अलावा उसके अंदर जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो अभी अपन ने बात की थी, पिगमेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो बिलीरुबिन, एक यहाँ पे अपन ने देखा था बिलीवर्डिन, ये दो पिगमेंट अपन ने देखे थे। इन दोनों का भी फॉर्मेशन और स्टोरेज का काम ये करता है। बिलीरुबिन क्या होता है, येलो कलर देता है, और बिलीवर्डिन क्या होता है, ग्रीन कलर देता है। अभी अपन जब लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड जो बॉडी से बाहर जाएगा, फिकस मटेरियल, उसकी बात करेंगे तो वहां पे अपन बात करेंगे कि वहां पे उसको जो क्या, नहीं बिलीरुबिन येलो और बिलीवर्डिन ग्रीन, आप दोबारा चेक कर लेना, मुझे जहां तक याद है यही चीज होती है। हाँ आपने जो देखा है आप उसको एक बार दोबारा देख लेना, क्या पता, है ना। तो इस तरीके से ये मेन मेन अपन ने फंक्शन देख लिए लीवर के। वैसे इनके ऊपर कोई ज्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं आता, या तो आरबीसी वाला पूछ सकते हैं, है ना, कि जो डेड आरबीसीज हैं उनको क्लीन करने का काम कौन करती है, तो कुफर सेल्स करती हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का पूछ सकते हैं, यूरिया फॉर्मेशन का पूछ सकते हैं, ये पांच चार बातें ही हैं जो वो मेनली पूछ सकते हैं अपन से। तो अपन ने जो एक डाइजेस्टिव ग्लैंड थी हमारी लीवर वो तो देख ली, अब लीवर के बाद में अपन देखते हैं पैनक्रियाज, अग्नाशय। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, अपन ने अभी बात की थी। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके पास में ये प्रेजेंट होती है। ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है, हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन का मतलब क्या हो गया, एक्सोक्राइन भी होती है इसकी नेचर और एंडोक्राइन भी होती है।
ये हेटेरोक्लाइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब कि जो अपना जो सिक्रीशन होता है या जिन इनको जिस चीज़ का स्रवण करना होता है उसको किसी डक्ट की हेल्प से अगर अपने पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचा रही है तो उसको अपन बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब अगर इनका जो सिक्रीशन है वो डायरेक्ट ब्लड के साथ में कहीं पे पहुंच रहा है एक जगह से दूसरी जगह तो उसको अपन एंडोक्राइन बोलेंगे। ठीक है, तो पैनक्रियाज हेटेरोक्लाइन ग्लैंड होती है, इसको कई जगह पे मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम कौन करता है और एंडोक्राइन का काम कौन करता है वो अपन देखते हैं। तो सबसे अपन देखते हैं इसका एक्सोक्राइन वाला पोर्शन। एक्सोक्राइन में आपको ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मेशन छोटी छोटी कुछ स्ट्रक्चर से होता है, उनको अपन बोलते हैं एसिनी, मेड अप ऑफ लोब्यूल्स। वैसे उनको लोब्यूल्स बोलते हैं, हिंदी में एसिनी भी बोल सकते हैं, एसिनी। अगर इनकी अपन से फंक्शन इन यूनिट पूछी जाए एक्सोक्राइन पैनक्रियाज की, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसके अंदर, तो वो होती है लोब्यूल्स या फिर एसिनी। और जो पैनक्रियाटिक जूस है उसका सिक्रीशन इन्हीं एसिनी से किया जाता है। क्या सिक्रेट करती है? सिक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। अब देखो ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ना, सारा डाइजेशन का भार इस पैनक्रियाटिक जूस के ऊपर ही होता है हमारे बॉडी में। अभी अपन ने बाइल जूस देखा था, है ना? बाइल जूस को अपन ने क्या बोला था कि यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। लेकिन जो पैनक्रियाटिक जूस है ना, इसी के अंदर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे पड़े हैं। इसके अंदर क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर लगभग 99% तो वाटर होता है, लेकिन जो रिमेनिंग 1% है उसके अंदर सारे इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स। और ये इनएक्टिव होते हैं तो इनको एक्टिव करने का काम कौन करेगा, जल्दी से बताओ। अभी अपन ने ऊपर बात करी थी कि ये जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिव करने का काम कौन करता है, ऊपर अपन ने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले जब अपन ने वो डक्ट वाला डायग्राम देखा था ना। मीडियम की बात की थी क्या अपन ने? हाँ, जो बाइकार्बोनेट आयन थे वो क्या कर रहे थे, फूड का मीडियम एसिडिक से किस में कन्वर्ट कर रहे थे, एल्केलाइन में, क्षारीय माध्यम में कर रहे थे। तो ये जितने भी इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियाटिक जूस के, इनको एक्टिव होने के लिए, काम करने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए, एल्केलाइन मीडियम चाहिए। और वो एल्केलाइन मीडियम कौन बना के देता है इनको, ये बाइल जूस बना के देता है। अब ये जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं कौन कौन से होते हैं इसके पास में, ट्रिप्सिनोजन होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, इसके अलावा प्रो कार्बोक्सिलेज होता है, इसके अलावा इसके पास में एमाइलेज भी होता है, इसके अलावा लाइपेज भी होता है। इसी लाइपेज का दूसरा नाम होता है स्टेप्सिन। और इसके पास में कुछ न्यूक्लियेजेस भी होते हैं। ठीक है, अब देखो इतने सारे एंजाइम्स हैं, प्रोटीन का डिग्रेडेशन कर देंगे ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिन जो है, ये देखो ये प्रोटीन का डिग्रेडेशन कर देंगे, ये कार्बोहाइड्रेट का कर देंगे, ये लिपिड का कर देगा, ये आरएनए डीएनए का कर देगा। इस तरीके से फूड के अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं उन सब का डाइजेशन करने के लिए हमारे पास में जो पैनक्रियाटिक जूस है इसके पास में कोई ना कोई एंजाइम प्रेजेंट है। इसलिए ये जो पैनक्रियाटिक जूस है इसको अपन बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, है ना? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास में हर तरीके का जो भी फूड के अंदर कंपोनेंट है उनको डिग्रेड करने के लिए, उनको डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। तो ये अपन ने पहला देखा एक्सोक्राइन वाला पार्ट। अब अपन दूसरा देखते हैं एंडोक्राइन पार्ट कौन सा होता है इसका। तो एंडोक्राइन पार्ट के अंदर आपने सुन रखा होगा कि जो पेनक्रियाज होता है उसके पास में चार तरीके की सेल्स होती है, फोर टाइप्स ऑफ सेल्स ना, आइसलेट्स ऑफ हैंगर लैंगर, हैं सुने ना आपने, आइसलेट्स ऑफ
लैंगरहैंस, लैंगरहैंस के द्वीप समूह, सुने हैं? इन लैंगरहैंस के द्वीप समूह के अंदर चार तरीके की सेल्स होती हैं, कौन कौन सी होती है? अल्फा, बताओ देखें, अल्फा, डेल्टा, गामा नहीं, डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा, एक और बच गई एफ सेल, अल्फा हो गई, बीटा हो गई, डेल्टा हो गई और एफ सेल हो गई। ये चारों क्या करती है? कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। और ये हार्मोन कौन कौन से होते हैं? अल्फा किसका सिक्रीशन करती है? ग्लूकागोन का। बीटा इंसुलिन का। डेल्टा सोमेटोस्टेटिन का। और एफ सेल ये सिक्रेट करती है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का। देखो, ग्लूकागोन और इंसुलिन का काम अपन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे कि इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोलाइसिस करवाता है, ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करवाता है, जितना भी बॉडी के पास में ग्लूकोज है उसको स्टोर करके रखने का काम करता है ग्लाइकोजन। और इंसुलिन क्या करता है? जो भी हमारे पास में ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोलाइसिस के अंदर लेके चला जाता है इंसुलिन। ये दोनों काम तो इनके हो गए। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? इन दोनों को रेगुलेट करने का काम करता है ना, इन दोनों के बीच में स्टेबिलिटी लाने का काम करता है सोमेटोस्टेटिन। और ये जो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है ना, ये रेगुलेट करता है इस सोमेटोस्टेटिन के सिक्रीशन को। तो ग्लूकागोन और इंसुलिन को रेगुलेट कर रहा है सोमेटोस्टेटिन, लेकिन इस सोमेटोस्टेटिन को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में क्या होता है? पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई चीज ऊपर से गई हो तो? क्या हुआ, कोई डाउट है क्या यहाँ पे इतने में किसी को? ठीक है, नहीं। अब अपन देखते हैं आगे क्या काम हो रहा है। फ्री हो ना सभी? 5-10 मिनट क्लास और ले लूँ क्या? ये पेनक्रियाटिक वाला पूरा कर देते हैं। कल ही करें फिर, या तो